हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, सोशल साइंस में जो होता है ज्योग्राफी, उसी का चैप्टर है वन एवं वन प्राणी संसाधन। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वन एवं वन प्राणी संसाधन, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सो गाइस, हम लोग देखेंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक देखें ताकि आपको हम पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन बता सके। सो गाइस, पहला नंबर जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। चलिए हम लोग बात करते हैं टू नंबर क्वेश्चन पे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया जाता है, तो टू नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तीन वर्गों में किया जाता है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 26,200। इसका सही आंसर हो जाएगा 26,200। चलिए हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। संविधान की धारा 21 का संबंध है, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ए नंबर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब लोग फाइव नंबर क्वेश्चन पे। एक एनजीओ का वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? ये भी 2018 में पूछ चुका है, हो सकता है आप लोग के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें सही आंसर इसका जो फाइव का हो जाएगा बी नंबर, 4 अरब हेक्टेयर। चलिए सिक्स नंबर बात कर लेते हैं। सिक्स नंबर में है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर का बी नंबर, वेट लैंडेंस कन्वेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन में है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी है नेशनल बर्ड्स, तो मयूर हो जाता है, मयूर जो है राष्ट्रीय पक्षी है। एट नंबर क्वेश्चन में दिया है भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो एट नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 19.27। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.60% लगभग भौगोलिक क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाइन का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए टेन नंबर देख लेते हैं। टेन नंबर में है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 2016 में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो टेन नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 20%। चलिए हम लोग बात करेंगे इलेवन नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इलेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 60.11। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर, मैग्रोक्स का सबसे बड़ा अधिक विस्तार कहाँ है? मैग्रोक्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो 12 नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया बी, सुंदरबन में। इसका सही आंसर हो गया सुंदरबन में बी। ये भी बोर्ड मॉडल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर ले तो ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कहीं को प्रॉब्लम नहीं हो सके। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का जो उपयोग होता है कैंसर में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, चरक का संबंध है, चरक का जो है संबंध है, चरक का संबंध किस देश से था? तो 40 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत से। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत से। 50 नंबर में दिया हुआ है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास की सही कारण नहीं है? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, सी नंबर। चलिए देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो 60 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोग लर्न कर ले ही ले ताकि आपको एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन से हम पहले आपको एक बात और बता दें कि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए नहीं भूलना।
सो गाइज हम आपको इस पर पूरा का पूरा अपडेट्स देते रहते हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, निम्न में से कौन सा जानवर जो ऐसा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। 17 नंबर का जब आपका सही आंसर हो गया बी डॉल्फिन। कौन सा जानवर है जो भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो को लेके।